सर, आपके संडे स्पेशल गंगोत्री रेस्टोरेंट पे हमने दाल बाफले के बारे में काफी सुना है, और वो भी सबसे कम 75 रुपीस में अनलिमिटेड। तो मतलब आप कैसे कर पाते हैं और क्या क्या देते हैं इस अनलिमिटेड थाली में? सर, हम दाल देते हैं जी, बाफले देते हैं जी, और कड़ी देते हैं, जीरा राइस देते हैं, अचार सलाद देते हैं, बैंगन का भरता देते हैं जी। और रही क्वालिटी की बात और रेट की बात, तो सर वो मैनेज करना पड़ता है। और संडे स्पेशल में दाल और बाफले और कड़ी और बैंगन का भरता देते हैं। 75 रुपीस में इतना सब कुछ सर्व करना जी पॉसिबल है? है ना सर। चलिए, उसकी हम क्वालिटी भी देखेंगे, टेस्ट करेंगे और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि अंकल इतने कम प्राइस में अनलिमिटेड कैसे सर्व करते हैं। तो चलिए सर, फिर चलते हैं आपके किचन में और देखते हैं आप इसकी किस तरह से मैकिंग करते हैं। अंकल, तो इस वक्त हमारा यहाँ आटा लग चुका है। हाँ, लगने की तैयारी है। अंकल, ये क्या डाल रहे हैं इस वक्त आप? ये गंगवाल का मक्का आटा है, इससे बाफले सॉफ्ट रहते, टेस्टी रहते हैं। अच्छा, और ये क्या डाल रहे हैं आप? ये भी मक्का आटा है। मक्का लगभग इसके अंदर क्या 20% मक्का आटा रहता है। 20% मक्का रहता है और 80% आटा रहता है, दर दरा मोटा पिसा हुआ। 10% बेसन रहता है। अच्छा, बेसन भी डाला जाता है, वो भी गंगवाल का ही वाफर है। ये अजवाइन है जी। हाँ, इससे क्या थोड़ा टेस्ट बढ़ता है बाफलों का। और ये हल्दी पाउडर रहता है, इससे बाफले का जो कलर रहता है जी वो आता है। ये नमक, ये सारे मसाले अंकल डल चुके हैं? मतलब अंकल आपने कोई ऐसा स्पेशल मसाला नहीं डाला, एकदम सिंपल डाले, फिर भी इतना अच्छा टेस्ट कैसे आ जाता है? सर, वो तो एक कला रहती है। सही बात है, एक कला है हाथों का स्वाद। मुझसे तो 1 किलो आटा भी ठीक से नहीं मसाता, आंटी जाने कैसे गूंदेंगी। पर देखिए आप, वो कितने आसान तरीके से मिला रही है। फाइनली हमारा आटा गूंदा चुका है और आंटी की हेल्प करने और एक आंटी आ चुकी है, और वो सारे पेड़ों को अब एक दूसरी थाल में डाला जा रहा है, और फिर इन सारे आटे को मसा जाएगा अच्छे से, और फिर इसके पेड़े बनेंगे। अंकल, ये पेड़े वगैरह बनने में हमें कितना वक्त लग जाएगा? पेड़े बनने में समथिंग 20 से 25 मिनट को लगेगा। जब तक हम और किचन में जाते हैं और देखते हैं और नीचे क्या एक्साइटिंग बन रहा है। तो इस वक्त यहाँ पे हमारी धनिया पत्ती कट रही है। अंकल, ये कितनी सारी धनिया कट रही है, मतलब ये किस लिए? ये सैलेड के लिए या फिर ये राइस में डलेगी? नहीं, ये और ये धनिया को भैया ने इस वक्त यहाँ चावल पे डाल दिया है। और चावल अभी तैयार हो चुके हैं या नहीं हुए अंकल? नहीं, अभी बाकी है सर वो। अच्छा, हाँ, इसको जीरा राइस करना बाकी है। आज संडे स्पेशल दाल वाफले रहते हैं जी। डेली हमारे यहाँ भोजन रहता है जो कि 60 रुपीस में भरपेट मिलता है। कितना भी खाएं, 60 रुपीस। कितना भी खाएं, आपको 60 रुपीस ही देना। थाली आज की जो दाल वाफले की स्पेशल है, उसके लिए अब क्या बनने वाला है? अब कड़ी तैयार होने वाली है। यहाँ पे हमारी दाल आधी रेडी हो चुकी है, तड़का लगना बाकी है, और ये मही रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये कड़ी की हमारी तैयारी हो रही है और तेल गरम हो चुका है। ये क्या डाला सर आपने? जीरा डाला सर। इससे पहले मेथी डाली। मेथी डाली और जीरा डाला भैया ने, और यहाँ बघार रेडी हो रहा है। ये लाल मिर्च जा चुकी है तड़के में, करी पत्ते, मीठी नीम। हाँ जी, और ये भैया का अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ जी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मुझे कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मेरी इस खुशबू से भूख डबल हो चुकी है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी भैया ने। ये भैया तड़का रेडी है और ये मही जा रहा है। ये मही हमारा जा चुका है और काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा और अच्छा मही है। और ये हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। कितने वक्त से ये कर रहे हैं शेफ, कब से हैं आप? मैं हो गए 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। भैया ये इस वक्त पकौड़ियाँ निकाल रहे हैं अब ये इसमें अपने कड़ी में डालने के लिए। कड़ी तैयार है दोस्तों थाली में। अब इसके बाद दाल की बारी है, क्योंकि अगर दाल ही ना हो तो दाल वाफले कैसे? आप बटर से तड़का लगाते हैं? क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं, और ऐसा वैसा नहीं, बटर भी अमूल बटर यूज़ किया जा रहा है। ये गया बटर कढ़ाई के अंदर, और ये गया जीरा अंदर, ये राही थोड़ी सी, करी पत्ते, ये प्याज डाल दिया भैया ने इसमें थोड़ा सा। अगर दाल बाफले या दाल बाटी में दाल में ही मज़ा ना आए तो पूरा स्वाद किरकिरा हो जाता है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये थोड़ी नॉर्मल दाल से अलग थोड़ी सी दाल बन रही है। ये तीखी तो नहीं हो जाएगी दाल? नहीं होगी, मैं लाल मिर्ची कम यूज करता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये नुकसान करती है। थोड़े से टमाटर डल चुके हैं बघार तैयार होने के बाद। भैया ये लगभग कितने लोग खा सकते हैं, जो आप इतनी सारी दाल और एक कड़ी बना रहे हैं, कितने लोगों के लिए है? अभी ये हो जाएगा 200 लोगों के लिए। 200 लोगों के लिए हो जाएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च जा चुकी है इस वक्त इसमें, और ये नमक, और एक कस्तूरी मेथी, और ये हमारी दाल गई तड़के में।
दाल इसमें जा चुकी है इस वक्त, वही हमारी अब दाल भी तैयार हो गई है। तो हमारी करी तैयार हो गई है, दाल तैयार हो गई है और देसी स्टाइल का जो भत्ता है अब वो तैयार होने वाला है। और अंकल एकदम पूरे जोश के साथ प्रोफेशनल स्टाइल में। और ये अंकल काय का पेस्ट डाला आपने? ये अदरक लहसुन मिर्ची का, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है। और ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है और ये थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती। और ये सारा का सारा बैंगन का भरता इसमें जा चुका है। कल इसमें से अरोमा काफ़ी अच्छी आ रही है और मुझे एक चीज़ और लगी कि ऐसे टेस्ट और खुशबू के लिए टाइमिंग का बड़ा खेल है। अंकल इस वक्त और जो बाफले हैं उनको ले जा रहे हैं और उस पानी में डालेंगे और सेम वही प्रोसेस होगा और ऐसा ही प्रोसेस दिन भर चलता रहता है। इस वक्त हमारे बाफले तैयार हो चुके हैं। भैया ये कैसे पता चलता है कि हमारे बाफले तैयार हो चुके हैं? ये सर उबलने के बाद ना ऊपर आ जाते हैं हल्के हो जाते हैं। ये इसमें पूरे तरीके से पक चुके हैं, अब ये बाफले निकलेंगे। हाँ ये। और इन बाफलों को अब सीधा बेक करेंगे या कुछ देर के लिए अपन रख देंगे? ये सुखाना पड़ेगा सर। सुखाना पड़ेगा। तो अब हमारे बाफले निकल रहे हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद ये सूखेंगे और फिर वहाँ पर कंडे वाली भट्टी लग रही है एकदम देसी स्टाइल में और फिर उसको उस पर बेक किया जाएगा। यार तो दोस्तों ये हमारे बाफले सूख चुके हैं और इस जगह पर बहुत सारे बाफले आएंगे। अच्छा, वो तो दिन भर ही ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। और यहाँ पर हमारी आग लग चुकी है, हमारी भट्टी लग चुकी है देसी स्टाइल में। पर अंकल मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप रोज़ कैसे ये सब कर पाते होंगे। अंकल ये अंगारों पर कितनी देर में बाफले पक जाते हैं? कम से कम इसको सिकने के लिए 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट लगता है। मैं तो इस आग के पास खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और आप उसमें अपने हाथों से रख रहे हैं, बड़ी कमाल की बात है। ये तो बहुत थोड़े से बाफले हैं, इसे अंदर और पक रहे हैं और इस पर कंटिन्यूसली भट्टी पे आते जाएंगे और यही प्रोसेस दिन भर चलता रहता है। और 15 से 20 मिनट लगेगा इन बाफलों को पकने में और फिर इनको खाएंगे और टेस्ट करेंगे यार कि इनका टेस्ट कैसा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बन रहे हैं ये। आप देख सकते हैं ये बाफले अंडी तल रही हैं और थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ही तले जाते हैं, जैसे जैसे कस्टमर आते हैं तो अंडी एकदम उनको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। कुछ ही देर में हमारे बाफले तैयार हो जाएंगे और उसका हम आनंद लेते हैं और खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। तो अब इंतज़ार ख़त्म हुआ और इस वक्त अंकल अपने हाथों से हमारी थाली ले आए हैं दाल बाफले की। अंकल ये तैयार हो चुकी है थाली? ये सच में 75 रुपीज़ की इतनी बड़ी थाली है और वो भी अनलिमिटेड। जी ये देसी स्टाइल है तो देसी स्टाइल की तरीके से चलता है। कटोरी है, आप बाहर कर सकते हो जी। अब यहाँ पे आप बाफले को चूरिए। अच्छा, बाफले को चूर लें पूरा इस तरह से? इस तरह का एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, एकदम मसाले बैलेंस हैं और जो बाफला है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। सारी चीज़ों को डाल लेते हैं, थोड़ा सा बैंगन डाल लिया, थोड़ा सा कड़ी भी इसके अंदर हम डाल लेते हैं। लाजवाब टेस्ट आ रहा है। अंकल ने मिक्स कर लेते हैं। अंकल ने हमें थाली में दाल दी है, राइस दी है, सैलेड दिया है, करी दी है। यार बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, हर चीज़ों का टेस्ट एकदम अलग अलग आ रहा है, दाल का, भरते का, मतलब ये है एक असली देसी स्टाइल खाना और एकदम घर जैसा टेस्ट है। और जैसा कि आपने देखा भी कि अंकल इतनी सफाई से बनाते हैं और प्राइस सिर्फ 75 रुपीज़ है। तो यार मुझे नहीं लगता कि अगर आप घर पे भी बनाएं तो 75 रुपीज़ में आपको इतना सब मिलेगा। तो यहाँ का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अंकल के प्यार के साथ आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। सारा काम अंकल अपने हाथों से करते हैं और एकदम वर्थ इट है। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंकल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो भी गरीब लोगों की और यहाँ पे रहने वाले लोगों की हेल्प कर रहे हैं इतना सस्ता खाना देके, वो भी अनलिमिटेड। मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में।